हम लोग भी करते हैं ना, अब यहाँ राजनेता लोग बैठे हैं, संघ के कार्यकर्ता बैठे हैं, हम लोग भी समाज के लिए काम करते हैं, और भी है सभी बिरादरियों के जो प्रमुख मुखिया लोग बैठे हैं, वो भी अपने समाज के लिए काम करती ही। लेकिन ये करते समय अपनेपन के भाव से केवल अपने लोगों के लिए काम करना, और उसके साथ फिर काम करेंगे तो कुछ नाम भी होगा। संघ ने मुझे, मैंने संघ में काम किया, संघ ने मुझे यहां बिठाया, तो इसका फलस्वरूप नाम भी होता है, फिर पद भी मिलते हैं। लेकिन इसके मोह में न फंसते हुए काम करना, जैसे हनुमान जी ने किया, सब कुछ किया, और जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अयोध्या में, सबको कुछ ना कुछ दिया गया, तब ये पीछे थे, उनको खोजवाया गया, लाया। सीता जी ने कहा प्रभु को, अरे इनको आप भूल गए, तो रामचंद्र जी कुछ बोल नहीं रहे, नीचे देख रहे, और सीता जी को रहा नहीं गया, उन्होंने ही बुलवाया और अपनी माला दे दी, तो हनुमान जी वो तोड़कर देखने के लिए इसमें राम है क्या, ऐसी आख्या ही का है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा है कि हनुमान जी ने उस माला को सदैव सीता जी को वापस कर दिया और पीछे मुड़कर जाने लगे। तो अभी तक मुख नीचे करके जो राम जी बैठे थे, वो खड़े होकर अपने सिंहासन से उतर कर उनके पीछे गए और आवाज दिया, हनुमान, तो वो पीछे मुड़ गए। तो उन्होंने कहा कि तुमने जो एक एक उपकार हम पर किया है, उसको वापिस करने के लिए हम यहां भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सीता जी सहित हम जो 15 कुटुंबी यहां पर है, उनका जीवन भर का 15 लोगों का पुण्य दिया तो भी तुम्हारे एक उपकार से भी हम पूर्ण नहीं हो सकते, तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ। इतनी निष्प्रहता से काम करना, यह हनुमान जी का आदर है, आदर्श है, सभी संतों के जीवन में यही मिलता है।